अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपको। आवाज मेरी अभी तक पहुंच रही होगी मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारे साथ में नीलम जी पहुंच गई हैं। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको मेरी? धन्यवाद, बिल्कुल राकेश जी, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट और क्लियर आ रही है। तो देखिए, आज आज के बारे तो मैं इतना कहूंगा कि एक सबसे पहले तो भगवान शिव को सोमवार का दिन जो होता है हमारे, मतलब अगर बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से हिंदुओं के बीच में तो ये बड़ा, उन्होंने सब हर एक दिन बांट दिए, मतलब सात देवताओं के बाद में दूसरे नहीं आते। सोमवार को तो पक्का पक्का शंकर जी हैं, मंगलवार को हमारी हनुमान जी होते हैं, और उसी के साथ में बुधवार को गणेश जी हैं, और गुरुवार को तो गुरु जी का पूरा कब्जा है, उसमें तो कोई इधर उधर नहीं। शुक्रवार का दिन बनता है, अगर मैं शुक्रवार का मैं गलत नहीं को तो ये मास जो है, जो भी हमारी मातृशक्ति उनके लिए सारा दिन है, गलत नहीं हूँ ये। और उसके अंदर शनिवार को शनि देवता जी मौजूद हैं, और रविवार को हमारे भगवान सूर्य मौजूद है, तो ये सातों दिन के साथ हमारे देवता हो गए पक्के। और सोमवार के दिन तो सारे मंदिरों के अंदर में लोग पहुंचते ही हैं, और ये सारे तीज त्यौहार इन सब चीज़ों के साथ में जुड़े रहते हैं। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 905-601-1350। भगवान शिव के आराधना, उनकी ब्याह का, उनकी शादी का ये आपने गीत सुना। और दोस्तों, 1955 में ये फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था मुनीम जी, और एक बहुत शानदार आवाज जो इसमें थी वो थी हेमंत कुमार साहब की। तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है आपको। मुझे लगता है शिव जी पर अब तक का जो सबसे खूबसूरत गीत है वो यही है, वो यही है, इसकी बराबरी कोई गीत कर नहीं पाया अभी तक। जी जी, मतलब शिव जी की शादी हो रही है, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाई के, तो ये पूरा लोक गीत है, इतना मधुर, इतना खूबसूरत है कि वैसे अब वो मधुरता भी उस लेवल तक लाने में भी शायद हमारे आज के जो संगीतकार हैं, गायक, उनको थोड़ा सा समय इसमें जरूर जरूर लगेगा। एक चीज़ ये मैं कहूँगा कि चल करके सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल जरूर ले लेते हैं, और उस व्यावसायिक अंतराल के पश्चात में हम जरूर फिर उसके बाद में चलेंगे आज के पंचांग की ओर, जैसा हमेशा करते हैं। और पंचांग के साथ में ही आज की खबरें, और इसी बीच में हम बताएंगे आज दोस्तों जो टॉपिक है उसके संदर्भ में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो सहयोगी हैं उनके बारे में जानकारी दे दीजिए कुछ, नीलम जी। बिल्कुल सर, अब जो सहयोगी हैं उनके अगर जिक्र ना हो तो कार्यक्रम पूरा ही नहीं होगा। बिल्कुल पूरा नहीं होगा, और उनका बहुत विशेष जिक्र करेंगे और भी बातें करेंगे दोस्तों। और ये हम मध्य में आ चुके हैं, सितंबर माह हिंदी भाषा का माह होता है। अभी अभी लोगों ने शुक्रवार के दिन 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया, लेकिन हिंदी के मामले में दोस्तों और भी बातें करेंगे हम लोग, बताएंगे, लेकिन सर्वप्रथम उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हिंदी टाइम्स को सहयोग दे रहे हैं। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांचों मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकेंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांचों मान को 416-302-5776-416-302-5776। अब कोई और रखेगा किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए युगेश मेंड्रा को 905-581-5757, 905-581-5757, या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyaslaw.com। अरे बेटा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर
एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस, गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा, दे आल्सो हैव अ गैस स्टेशन देयर। रियली? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। नेविगेटर्स कैफे, द हाउस ऑफ आलू पैटी, मसाला चाय एंड फ्यूल एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट। Actually, Navigator's Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigator's Cafe. इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर, दुर्बा फ्लावर्स, इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं, खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808। जेकर करदे हो अपनी मां बोली नाल प्यार, फिर किवें करोगे अपना रेडियो हिंदी टाइम्स तो इनकार। तुसी सुन रहे हो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM रेडियो हमसफर ते। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। और दोस्तों, हम आपके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि समय हो चुका है आज के समाचारों का, और उसके साथ में ही हम आपको देंगे आज के पंचांगों के बारे में भी। आज पंचांगों नहीं, पंचांग एक जानकारी जो है वो मेरे पास भी है, तो आप कहें तो जरूर जरूर। पहले जी जी, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आज शिव जी का दिन है, तो आज एक और खास दिन है, खासकर जो उत्तर भारत के लोग हैं उनके लिए। आज हरतालिका तीज भी है, जिस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। अच्छा, तो ये हमने विवाह वाला गीत लगाया, फिर तो सही बात है। बिल्कुल, आज एकदम सटीक गीत लगा है। और हरतालिका तीज को हरतालिका तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन जो पार्वती जी हैं, उनकी सखियां उनके माता पिता से बचाने के लिए उनको हर के जंगल में लेके चली गई थी, ताकि उनका विवाह सिर्फ शिव से हो सके, शिव जी से, क्योंकि उनके पिता चाहते थे उनका विवाह विष्णु जी से हो, पर वो मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी थी, तो इसलिए इसे हरतालिका तीज कहते हैं। जी। और निर्जला व्रत है राकेश जी, और करीब 36 घंटे तक महिलाएं पानी और अन्न जल का ग्रहण नहीं करती हैं, पूरे समय पूजा पाठ करती हैं, और इस व्रत में सोना भी वर्जित है, आपको बता दूं। अच्छा, सोना भी जागरण होता है। जी 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 जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है देसी चक्की के द्वारा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी जब व्रत कर लेती हैं पार्वती जी भी, उनका आशीर्वाद पड़ता है, बोले भाई देसी चक्की के, मेरी अपनी भाषा में मैं कह रहा हूं कि भाई अपने जो हमारे जो श्री अन्न जिसे कहा जाता है, और जो ये वर्ष 2023 को G20 में का जो मुख्य और इसी इस पूरे वर्ष को मनाया गया श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसमें आपके देसी अनाजों का बहुत बहुत महिमा मंडन किया गया, और बहुत हद तक वो सही भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि दोस्तों आपके हमारे जो अनाज हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे अनाजों का नाम आपको लिया जा सकता है दोस्तों, जिसमें बात करें हम कि बार्नयार्ड मिलेट बोला जाता है, अब ये ब्राउन टॉप मिलेट, अब ये इसको ऐसे कहने में मज़ा नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है मेथी, अलसी, उसी के साथ में आपकी रागी है, और उसी के ज्वार, बाजरा, ये सारे जो अन्न है इनको खाने से आपका पेट और पूरा हाजमा होता है दुरुस्त। और ये मैंने वहां पर एक मीडिया के कर्मी आए थे, उन्होंने कहा, बोले तिवारी जी मैंने सिर्फ अनाज को ये देसी चक्की का आटा खाया, और उसके बाद में
और यहां से जो सामान लेकर के गया हूं मैं, मुझे बहुत बहुत इसका लाभ मिला है। ऑर्गेनिक चीजें वहां पर होती हैं देसी शक्की के, उनका उनका हम नंबर भी बता देते हैं दोस्तों, ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर में 2960 ड्रू रोड मिसागा में है, और फोन नंबर है 416-676-4444 416-675-4444 ये नंबर है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको इसी लिहाज से आपको हेल्प करती हैं, बताती हैं। तो एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत, और मेरा ख्याल है कि आज का पंचांग हम अपने दोस्तों के बीच में लेके जाएं, बताएं जी। मुझे लगता है एक बार हम टॉपिक भी बता दें और उसके बाद हम पंचांग के ऊपर फिर जाएंगे। जी जी, पंचांग आप मुझे निकाल करके रखिए ताकि हमारे लोगों तक पहुंचे, लेकिन बिल्कुल आज का टॉपिक बता दें दोस्तों। आज का टॉपिक के अंदर में है सेंटर में मोदी और भारत, कारण क्या, दो हिस्से हैं इसके, और इस बीच में हमारे श्रोताओं के लिए बल्कि दो महत्वपूर्ण हिस्से मैं बताता हूं। एक तो कनाडा है, जिसमें कनाडा से जस्टिन ट्रूडो साहब अभी अभी होकर के आए हैं। कहां पर होकर के आए हैं? वो आए हैं G20 के समिट से आए हैं, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसके हवाले से बात होगी। कल का दिन मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया पूरे भारत में, जो उनको चाहने वाले बहुत लोगों ने मनाया, कई लोग उनकी आलोचना भी करते हैं, पर दर्शकों के मोदी जी का अपना कहना होता कि भाई जो मेरी आलोचना करते हैं मैं उसे लेता हूं, कि जैसे काला टीका लगाया जाता तो उनकी आलोचना को भी सर आंखों पर लेते हैं, इतने विनम्रता उन्होंने अपना कहा है। हाँ, विरोधियों की आलोचना का जवाब भी देते हैं, लेकिन आम पब्लिक की बात को रखते हैं। भाई मुझे मोदी का समर्थक मत मानिए, आज के प्रोग्राम के बीच में जब हम बातें करेंगे तो उनके गुण और दोषों की भी चर्चा करेंगे। वैसे जिस दिन किसी का जन्मदिन होता है उसके बारे में बुरा नहीं कहा जाता, प्रशंसा ही की जाती है। आप भी देखते हैं, लेकिन हमारे कई सारे लोगों के बीच में, कई सारे लोगों के मन में है कि भाई उनसे शिकायत भी है, बहुत सारी चीजें वो आपको लोग बताएंगे। लेकिन आज का सब्जेक्ट, एक जस्टिन ट्रूडो साहब ने क्या कहा है आने के बाद में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत और कनाडा, दुर्भाग्य से भारत और कनाडा के संबंध बड़े निचले पायदान पर आए हैं जस्टिन ट्रूडो सरकार के दौरान में। क्यों आए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर भी बात करेंगे। इसी बीच में G20 से लेकर के मोदी जी ने जो अपनी थोड़ी बहुत जो अचीवमेंट किया उस पर भी बात करेंगे, और साथ में एक वो मुद्दा जिसने कि पूरे GTA को गरमा के रखा हुआ और लोग परेशान हैं, और दुख की बात है कि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, MPP हो, काउंसलर हो और पुलिस हो, सब पल्ला झाड़ के नजर आ रहे हैं। बलदेव जी आप बार बार कॉल कर रहे हैं, आप कॉल करके थोड़ा रुकिए, आ जाइए, मैं आपको एकदम साथ में जोड़ूंगा कि पल्ला झाड़ रहे हैं। वो ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने आप में, वो दिनेश झा दंपति का सवाल हमारे पास में आया था और उनको लेकर के हमने चलने की कोशिश की और आप तक पहुंच जानकारी भी थी, वो अभी भी निराशा के अंधकार में डूबे हैं। उनसे भी हमारी बात होगी। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350-905-601-1350 है स्टूडियो का नंबर। तो सब्जेक्ट के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप मिलन जी? आपको आपने तो काफी कुछ बता ही दिया है, तो हम आज चर्चा हमारा जो अहम है वो हम मोदी जी पे करेंगे, और मोदी जी के संदर्भ में ही आज हम थोड़ी सी बात जो हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो उनके बारे में भी जरूर करेंगे और उसके बारे में भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप पंचांग निकाल कर रखिए और मैं अपने दोस्तों को जो है देता हूं आज के समाचार उन तक पहुंचाता हूं, उसके बाद में हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि इस आज के कार्यक्रम को इंडिया सजावट और पूजा हाट पर बिल्कुल जाना मत भूलिए। गणेश चतुर्थी का व्रत है, गणपति बप्पा को लाइए और गणपति बप्पा का की आराधना कीजिए, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। समाचार के पश्चात में हम आपके साथ पुनः जुड़ते हैं। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। तो दोस्तों समय हो चुका है आपको आज की खबरें देने का। शुरुआत करते हैं कनाडा से। कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का बयान, देश के आवास संकट को हल करने में लगेंगे कई साल, और कनाडा में स्थानीय पत्रकारिता को लगा एक और झटका,
खुद को दिवालिया घोषित करेगा मेट्रो मीडिया, और यूक्रेन के लिए वायु रक्षा उपकरण खरीदने को $33 मिलियन खर्च करेगा कनाडा रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने की घोषणा। ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट हार्डी में 3 छोटे भूकंप दर्ज, 14 सितंबर से आ चुके 30 से अधिक झटके। और ब्रिटिश कोलंबिया में 400 से अधिक जगहों पर जल रही है जंगल की आग, पीसलैंड के पास निकासी के आदेश हुए जारी। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में और यूरोपियन यूनियन पर भड़के तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, यूनियन से बाहर निकलने की दी धमकी। और सऊदी अरब इस सऊदी इसराइल वार्ता पर लगा ब्रेक, फिलिस्तीन पर नेतन्याहू के रुख से क्राउन प्रिंस सलमान हुए नाराज। और गूगल के सह संस्थापक सरगेई ब्रिन का पत्नी शनाया हैन से तलाक, एलन मस्क के साथ अफेयर की खबरें। और अफ्रीकी देश कांगो में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में 17 लोगों की हुई मौत, 3 दिवसीय शोक हुआ घोषित। और अमेरिकी शहर नेवादा में लैंडिंग के दौरान 2 प्लेन आपस में टकराए, 2 पायलटों की हुई मौत। और राष्ट्रपति चुने जाने पर H-1B वीजा समाप्त करेंगे विवेक रामास्वामी, इस सिस्टम को बताया बंधुआ मजदूरी का प्रतीक। और भारत से सुर्खियों में दोस्तों, पीएम मोदी ने कारीगरों के लिए शुरू की 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना। और मणिपुर में छुट्टी पर गए सैनिक का उसके घर से अपहरण करके हुई हत्या, 500 रुपए में LPG सिलेंडर, मुफ्त बस यात्रा। तेलंगाना में कांग्रेस ने जारी की 6 चुनावी गारंटियां। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बोले अध्यक्ष खड़गे, मतभेदों को दूर रखें, पार्टी की सफलता को प्राथमिकता दें। खेल जगत में स्पेन की महिला विश्व कप विजेता नेशनल टीम का बहिष्कार जारी, 22 सितंबर को स्वीडन से होना है मुकाबला। और बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन से खुश हैं शार्दुल ठाकुर, मैच में लिए थे 3 महत्वपूर्ण विकेट। और ड्रग डील में फंसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टुअर्ट मैकगिल, बड़े पैमाने पर कोकीन आपूर्ति में भूमिका का आरोप, और 8वीं बार भारत के सिर पर सजा एशिया कप का ताज। फाइनल में श्रीलंका को दी ऐतिहासिक मात, मात्र 50 रन में किया पूरी श्रीलंका टीम को आउट। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। और व्यापार जगत में टाइम मैगजीन की वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की लिस्ट में इंफोसिस शामिल, टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी। और नई आईफोन 15 सीरीज और वाच सीरीज की 9 की घड़ियां अब भारत में उपलब्ध, 22 सितंबर को बाजार में आएंगी। टाटा स्टील के वेल्स प्लांट में 5,150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ब्रिटिश सरकार। मनोरंजन जगत में दोस्तों, राजवीर देओल की पहली फिल्म दोनों का पहला गाना जारी, पालोमम मां ढिल्लो संग दिखा रोमांटिक अंदाज। और पुष्पा से पहले एक और दक्षिण भारतीय फिल्म करेगी धमाका, जय एम रवि की अगली फिल्म सारन का प्रीफेस जारी। और पहली बार वेब सीरीज में दिखाई देंगी मोनी राय, 13 अक्टूबर को सुल्तान ऑफ दिल्ली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी वेब सीरीज रिलीज। और दोस्तों, समाचार होते हैं समाप्त, एक बार पुनः धन्यवाद देसी चक्की का और इंडिया से डॉट पूजा हट का। देसी चक्के का नंबर है 416-675-4444 और इंडिया सजावट पूजा हट, नंबर उनका चाहिए आपको, 31 मेलनी ड्राइव पर जाइए, नंबर बताएंगे, नंबर आपको मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पर भी pujahat.ca। फिर भी हम आपको जरूर बताएंगे अगर आपको नंबर चाहिए तो, लेकिन नहीं चाहिए तो भी हम बताएंगे। हमारे साथ में नीलम जी मौजूद हैं। नीलम जी, बात कर लेते हैं हमारे पंचांग की। पंचांग मुझे दिख नहीं रहा, पंचांग आपसे उम्मीद है कि अपना रेडियो पर हमें भेजिए और इसी बीच में हम आज की चर्चा में आपको दोस्तों करते हैं इन्वॉल्व। लेकिन चर्चा में इन्वॉल्व करने के बल मैं चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने क्या बोला है भारत के बारे में, वो तब तक आपको सुनवाते हैं। Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly, but I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, 1, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account.
Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. Let us remain calm and steadfast in our commitment to our democratic principles and our adherence to the rule of law. This is who we are and what we do as Canadians. दोस्तों, किसी की भी जन्मदिन, मतलब कनाडा से जो भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बात अगर की जाए, तो ये जन्मदिन तो ये पक्का हो गया कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने कनाडा की संसद में इतना बड़ा आरोप लगाया है, और ये मामूली आरोप नहीं है, बहुत सीरियस आरोप है। इस पर एक एक करके आपके विचार लेंगे, अगर और मानने को जी नहीं करता, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है, वो यह है कि कनाडा और भारत के रिश्ते ऑल टाइम लो पर जा चुके हैं। आज 18 सितंबर 2023 है। एक एक करके आपको लोगों को लेकर के चलते हैं। मोदी जी, बधाई आपको आखिर में देंगे। सबसे पहले तो आपके क्रिटिसिज्म जो की जा रही उस पर बात करते हैं, और एक एक करके क्रमवार मैं लेकर के चलूंगा। गुरजीत गोसाल साहब जो हमारे साथ में है, हमेशा जुड़ते हैं, सबसे पहले वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले उनके विचार। जैसे याद रखिएगा दोस्तों, मैं जब जब जैसे आपकी कॉल आती है एक एक करके लेता हूं, जब जो सबसे पहले इंतजार कर रहा था उनकी कॉल लेता हूं, उसके बाद में बाकी का नंबर एक एक करके आता है। गोसाल साहब, क्या कहेंगे आप? जी भैया नमस्ते। जी नमस्ते। बात पूरा सुनना है ना। देखो, लास्ट वीक आपके एक कॉलर ने कहा था, जो है ना मंदिरों पर लिखते हैं ना, गुरुद्वारों पर, ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने भी, एजेंसी ने भी दिया आर्टिकल, अच्छा आपने पढ़ा होगा, वो भी इनके भारत सरकार के ही आदमी है जो वहाँ लिखते थे, वो पुलिस कह रही है वहाँ की, हम नहीं कह रहे है ना। आपके पास में ऐसा कोई रिपोर्ट है मुझे भेज दीजिए ना, आप व्हाट्सएप पर मुझे अभी भेज दीजिए। भेजा था व्हाट्सएप पर, भेजा था मैंने, आपने देखा नहीं है। मैं शायद माफी चाहूंगा, एक बार फिर से भेज दीजिए मुझे। नंबर दो, जो निज्जर का ना कत्ल हुआ है, ये भी भारत की एजेंसी ने कराया, ये भी ट्रूडो साहब ने पार्लियामेंट में बता दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया, वो भी भारत की एजेंसियां ने करवाया है ना। तुसी देखो मोदी साहब इलेक्शन जितने लिए की कुछ कर रहे हैं इंडिया दे विच है ना, क्योंकि साडे मीडिया तो बोलना नहीं, इन्हों दी तो लत्तां नहीं भार चल दी, किसी ने नहीं बोलना इन्हों चो, कल इतने आ जाना है, किसी ने हिम्मत नहीं हैगी कि मोदी के खिलाफ कोई गल कर जाए है ना जी, क्योंकि डरते हैं लोग। मर्डर होया, बंदा मारिया गया है ना, जे वो प्रोटेस्ट करते हैं, वोटिंग करते हैं, उन्होंने हक है इस कंट्री च, ना कि तुसी जबरदस्ती उन्होंने वो कर रहे हैं है ना, वो हक है अपना, इतने कुछ भी कर सकते, अपनी आवाज चक सकते हैं, ये थोड़ो कि तुसी बंदे भेज के बंदा मरा दो इतने, ये गलत होया। जो भी होया, आपकी बात आपने कह रहे हैं, देखिए मैं सीधी एक बात इस पे इतना ही लेके चलूंगा कि बहुत क्लियर ढंग से, कि नंबर एक कि ट्रूडो साहब ने कनाडा की पार्लियामेंट में भारत सरकार पे आरोप लगाया, भारत सरकार के जवाब का बिल्कुल सभी को इंतजार के भारत सरकार इसका क्या जवाब दोगी। वहां पर अभी रात का समय, हम इस विषय को कनाडा में बैठे हुए हैं, इसको ले रहे हैं, और कनाडा सरकार को इसको प्रूव करना ही पड़ेगा। एक और कॉलर है, मैं उनकी ओर चलना चाहूंगा। आपका नंबर है सर 4807 पे, बोलिए। त्यागी जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैनेडियंस बहुत डरे हुए हैं जी, ट्रूडो साहब को बोलो सारी फौज लगा के बंदा ढूंढ ले जिसने मारा है, दम हो तो।
जी जी, आपका ये कहना है कि ये आपका ये कहना है कि भाई ऐसी हत्या हो जाती है और कनाडा की पूरी पुलिस फोर्स है, आरसीएमपी सब कुछ मौजूद है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल चार्ज करें, लेके आए प्रूफ, बिल्कुल है, दम है तो बंदे को पकड़ो, उसको लगाओ सूली पे, ऐसे फालतू में वो हाथी जलता है, कुत्ते भौंकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी एक और नंबर है 2479। जी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कनाडा के प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं तो साफ साफ ये वहाँ की पुलिस का भी फेलियर दिखाता है कि कोई नहीं। पहली बात हम लोग जाएंगे पुलिस के फेलियर पर जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो कॉलर है जी 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 बोलिए जी, किसी को मार के चले जाए और आप सिर्फ ये कहें संसद में खड़े होकर कि भाई ऐसा हो गया, तो ये तो आपका फेलियर है। ये बहुत बड़ा आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बहुत गंभीर आरोप है। हमारे साथ में 2479 से जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका। हाँ जी तिवारी साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मुझे प्राइवेट में बात करनी है आपसे, आप नंबर दे देंगे? अब मैं आपका मेरा नंबर नोट कर लीजिए 416-839-2486, इस पर कॉल कर लीजिएगा मुझे। ठीक है जी जी जी, और मैं आपका नंबर भी नोट कर लेता हूँ आप, और उसके बाद में हम लोग जरूर बात करेंगे, ठीक है ना जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। 839 मेरा नंबर है 416-839-2486, 416-839-2486। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद, प्रोग्राम सुन रहे हो जी, नंबर वन प्रोग्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हैं, लास्ट नंबर 1365, स्वागत आपका। नमस्ते जी, जी नमस्ते, नमस्ते 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 जी जी जी, आपकी आवाज से मैं पहचान गया हूँ, हमारे बहुत सारे श्रोता भी पहचानते हैं, प्रवेश जी हैं दोस्तों, प्रवेश तनेजा जी। प्रवेश तनेजा जी, आपके पास में कोई अपडेट है? आप एमपीपी के पास में गए, आप पुलिस के पास में जा चुके हैं, और 9 सितंबर को ये बोला गया था, मुझे याद है पुलिस ने बोला था कि 24 तक में ये लोग जो है जो आपके घरों में घुसे हुए हैं वो खाली कर देंगे, कोई अपडेट आपके पास में है? हाँ जी सब कुछ, अभी तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई ना तो कोई सही जवाब दे रहा है ना कोई हेल्प कर रहा है। आप एमपीपी ग्रेवाल साहब के यहाँ पे गए थे, बात की थी आपने, क्या हुआ, कोई जवाब वहाँ से? कोई जवाब नहीं मिली तक जी, कोई अपडेट नहीं है, कोई जवाब नहीं। पुलिस का क्या कहना है, पुलिस से कोई अपडेट? ना उनसे कोई अपडेट नहीं आया जी, वो कुछ करेंगे या नहीं दोस्तों, पता नहीं, नोटिस दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ जी जी। तो इस टाइम नहीं आओ, जो मैं हूँ मेरी फैमिली है, बस लाइक ख्याल हो कि हम वी आर लिविंग इन द हेल, लाइक मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा जब आपसे पूछा गया कि आप कैसे हैं, आपने कहा कि जब मेरी पत्नी की आंखों में जब तक आंसू हैं लगातार वो है, डाउन फील करी मेरी फैमिली डाउन, मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूं, आपने कहा। जस्टिन ट्रूडो साहब, आपसे आपको इसके लिए भारत जाने की जरूरत नहीं है, इसमें भारत की एजेंसियों का कोई हाथ नहीं है, ये कनाडा का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे के लैंडलॉर्ड जो यहाँ पे मकान मालिक हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करके भारत से ही आए हैं या पूरी दुनिया से आए हैं, वो यहाँ पे तकलीफ में हैं, उनका भी इलाज कीजिए। आपके कानों तक में बहुत पहुंच चुका है, सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा काम किया, पहुंचा रहा है, आपके एमपीपी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके काउंसलर सब लोग मौजूद हैं, और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, यहां पर अगर इंसाफ नहीं दे पाते तो ये बड़े दुख की बात है। बहरहाल हम अपने उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लाभ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रवेश जी आप और कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बस ये है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे सभी लोगों से अपील है, प्रार्थना है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं मेरी फैमिली वेरी लाइक काफी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं इस टाइम, समझ नहीं आ रहा क्या करें, और साथ में ना उन लोगों को भी जो मेरे घर पे रह रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज अगर हो सके तो आप हमारा घर छोड़ दें, और हमें और हमारी टाइम हमारी हालत इस समय ऐसी नहीं है कि हम आपसे लड़ सके या कुछ कर सके, तो प्लीज अगर हमारी पास सुन रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरा घर छोड़ दें आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद, इस बात को, इस मैसेज को हम और लोगों तक भी लेकर के जाएंगे, एक एक करके हमारी सारी लाइनें फुल हैं, सभी लोगों को एक एक करके बात करने का मौका होगा। लाभ सिंह जी क्विकली जी, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता था कि अगर ट्रूडो साहब ने इल्जाम लगाया तो उनके पास तो पूरी प्रूफ होंगे, फाइलें होंगी, वो हम मान नहीं रहे, लेकिन जब कोई इंडिया में कांड होता है तो वो बोलते कि भाई पाकिस्तान ने कर दिया, तब सभी भक्त मान लेते कि हाँ जी पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया। तो क्या भारत और कनाडा के ऐसे रिलेशन हो चुके हैं कि जहां पर कि वहां की एजेंसी जो है वो आकर के यहां पे मर्डर करें, ऐसा कहा जा रहा है?
और क्या प्रूफ होगा, क्योंकि बहुत बार तभी बोला होगा तो उन्होंने आईजी थोड़ी बोल दिया होगा, तो हम इतना जल्दी क्यों जज कर रहे हैं कि वो ऐसे बोल रहे हैं, अगर उनके पास प्रूफ होगा इतने उसके अहदे पे हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत और कनाडा के रिलेशन ऐसे लेवल पर ऐसे पहुंच रहे, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर में बहुत बड़ा धमाका है, और भारत और कनाडा के रिश्ते, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दूसरे देश से आकर के विशेष करके एजेंसी, ये भारत के ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, और इसका भारत सरकार जरूर जवाब देगी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास में एक भूपेंद्र मंच साहब की कॉल है जी, बोलिए क्या कहेंगे। तिवाड़ी साहब, जो ट्रूडो साहब ने कहा है इसका कोई सबूत दिया है उन्होंने? देखिए जो बयान था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और आप लोग सभी लोगों के पास में इंटरनेट मौजूद है, आपके पास में कोई जानकारी? मुझे जो लगता है कि मुझे जो मैं अपनी एक विचार दे रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए, और साथ में इस बात का कि कैसे ये कनाडा का एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी बड़ी है, कि और ये कैसे हो सकता है कि भारत की एजेंसी या किसी देश की एजेंसी आकर, पहले चाइना के ऊपर आरोप लग रहा था, अब भारत के ऊपर लग रहा है, कहीं इसके भीतर एक अपनी बात कर लूं फिर आप बोलिएगा। इसी के साथ में एक बात और भी आती है कि अभी जब गए थे ट्रूडो साहब, उनके सामने बात आई थी कि जो खालिस्तान के लोग हैं, जो खालिस्तान को मानते हैं, वो लोग उन्होंने जो कि खुलेआम भारत के राजनीतिकों की हत्या की धमकी दी, मोदी की हत्या की धमकी दी, बहुत सारी ऐसी चीजें की, उसके ऊपर उन्होंने ये जस्टिन ट्रूडो साहब का बयान है कि कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो कनाडा का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, अगर उनके पास में कोई प्रूफ आया है तो बिल्कुल उन्हें पब्लिक में सामने रखना चाहिए, और क्योंकि ये एक दो देशों की बात है, ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जी बोलिए आगे। बिल्कुल, ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ना चाहिए, सबूत देने चाहिए। देखिए ये कत्ल कैनेडियन सॉइल पे हुआ है, यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, एजेंसी क्या कर रही है, आरसीएमपी क्या कर रही है जी, ये वही आरसीएमपी है, वही एजेंसियां हैं जो कि 331 लोग कनिष्का में मारे गए और कोई पता नहीं लगा पाया कि कौन जिम्मेदार है, ये वही लोग हैं। बिल्कुल जी, सिर्फ भारत ही नहीं, कहां चाहे पूरे देश की एजेंसियां जहां के कत्ल करे तो इनका फर्ज बनता है उन्हें रोकना और राग लेके आए सबूत, इतना समय हो चुका है जी, उसको सजा दें, ऐसे कहने से तो कोई मामला हल होगा नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो ये यकीन करने में मतलब वाकई बहुत बहुत दिक्कत हो रही है इसकी, ऐसा कैसे हो सकता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भी वहां पर होकर के आए हैं और इस तरह का बड़ा आरोप उन्होंने संसद में लगाया। बहुत धन्यवाद, एक और जी जी बोलो जी बोलिए। वो कातिल जहाँ पे है वो गाड़ी लेके भारत में तो भाग नहीं गया जी, गाड़ी में है जी, यहाँ की पुलिस का फर्ज बनता है उसका, और भारत के साथ उसका संबंध स्थापित करें, बताएं। हाँ जी, मैं तो चाहे किसी ने भी करवाया हो, इनका फर्ज बनता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि कैनेडियन सोयल के ऊपर हुआ है। बिल्कुल जी, हमारे साथ 4807 से नंबर है जी, कॉल कीजिए, बताइए। तिवारी जी, मैं दोबारा आया हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्रिमिनल्स को तो ट्रूडो साहब ने खुद बुला लिया है यहाँ पे, राइट जी। वो कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कौन सी वो रिपोर्ट है कि सारे तो सिद्धू मूसे वाला, गोल्डी बराल, वो तो सब यहाँ बैठे हुए उसका बंदे का, ठीक है जी जी, तो इन्होंने खुद बुलाया तो फिर क्यों रो रहे हैं? दूसरी कहानी ये है कि ये क्या बोलते हैं, ट्रूडो साहब खुद भिखारी बने हुए हैं, कटोरा बाहर से पैसा आके इकोनॉमी को चला रहे हैं, ये खुद भी भिखारी बने हुए हैं और हमको भी भिखारी बनाएंगे जी। बहुत धन्यवाद आपका जी। मेरे पास में एक नंबर है 1365 से, जी बोलिए जी बोलिए। हेलो, अच्छा अच्छा, प्रवेश जी चलिए, मैं एक और मेरे पास में नंबर आया, मैं आपके पास में अभी आता हूँ, एक और मेरे पास नंबर आया है 4353, जी बोलिए। हेलो जी बोलिए, स्वागत है। तिवारी जी, ऐसा है, ये जो आरोप ट्रूडो साहब ने लगाया है ये बिल्कुल ही निराधार आरोप है, इसके कोई मायने नहीं है। एक्चुअल बात ये है, एक तो इस आरोप से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की और कनाडा की रेपुटेशन खराब होगी दोनों की, और ये आपस में रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। हो ही चुके हैं, जब चाइना के साथ ऑलरेडी रिलेशन खराब है, अब ये इंडिया के साथ भी रिलेशन खराब कर रहे हैं, ये कोई ठीक बात नहीं है। दूसरा बात ये है कि यहाँ की कनाडा की सिचुएशन जो है इस टाइम वो बहुत बुरी है, मॉर्गेज रेट बढ़े हुए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ी जा रहा है और लोग परेशान हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, ये बैंक ऑफ कनाडा डीप रिसेशन में डालने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो इन सब बातों से हाउसिंग की प्रॉब्लम है, रेंट की प्रॉब्लम है, तो ये जो मुझे ऐसा लगता है भी ये ट्रूडो साहब चारों तरफ से घिरे हुए थे, उन्होंने जस्ट ध्यान भटकाने के लिए इस प्रोपोगंडा को यूज किया है,
और ये ध्यान भटकाने के लिए अगर ये प्रोपोगंडा को उन्होंने यूज किया है तो ये बहुत बुरा किया है। ये कनाडा के लिए भी बुरा है और इंडिया के लिए भी बुरा है। कनाडा और भारत के रिश्तों के लिए तो निसंदेह कहा जा सकता है। ये ऐसा नहीं हो सकता। जो जी 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 कत्ल हुआ है तो जी भारत से आगे यहाँ पर कत्ल नहीं करने वाले। जी जी, और हरजीत सिंह निज्जर के बारे में ऑलरेडी उनके और बहुत सारी, पीछे से आवाज बंद कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि बीच में अभी हम लोग सभी जो लोग भी हैं, 6-7 लोग, सभी लोग आप आने आ रहे हैं। प्रवेश जी, मैं चाहूंगा जी जी आवाज दम बंद कर लीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रूडो साहब की अपनी नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए ये एक गलत बयान दिया गया, लेकिन इस बयान को देकर भी वो बुरा फंसेंगे। जी बिल्कुल, ये भारत और कनाडा का लोवेस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर पूरा अंतर्राष्ट्रीय हंगामा होना ही होना है और शुरू हो चुका है। मैं लेके चलना चाहूंगा जी जी जी, मैं कुलदीप जी के पास लेके चलना चाहूंगा बहुत क्विकली। कुलदीप जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? जी स्वागत आपका। देखिए आपकी आवाज धीमे आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए सर माइक। जी मैंने बोला भी सभी स्रोतों ने बहुत अच्छी बात कर दी, किसी के ऊपर भी आरोप लगाना है ना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है तुम्हारी जी। जी अभी सब लोग जो भी बोलेंगे, अभी किराएदार का और लैंडलॉर्ड का झगड़ा है, तो मेरे ख्याल में हम लोग सभी लोग जो आपको कॉल करते हैं मुझे भी बोल सकते हैं, इनके भी इनके पीछे भी मोदी जी हैं, भारत की एजेंसियों का आता है जी। एक दवाड़ी भी जरूर बता के जाना जी, एक पीछे बहुत बड़ी चोरी हो गई, डाका डल गया था एयरपोर्ट में जी, उसका बता के जाना कि उसका आप इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, बहुत डेवलप कंट्री है ये, तो उसका जो किसी को चोर को किसी को बदमाश को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? अभी अभी उन्होंने बोल दिया, अभी भूपिंदर जी ने बोला, सबने बोला है, तो ये बात अभी बोल देनी बहुत आसानी है। वो इंडिया ने भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया, दूसरी बात ये है भारत में तो खालिस्तान बनने से रहा, लेकिन मेरे ख्याल में 3-4-5 साल में इधर कनेडा में खालिस्तान मेरे ख्याल में जरूर बन जाएगा जी। बिल्कुल दोस्तों, ये 2023 की घटना जिसका जिक्र कर रहे हैं कुलदीप जी, वो यह है कि 2023 के अंदर में अप्रैल महीने में 15 मिलियन से ज्यादा के गोल्ड जो है वो वहां से गायब हुए हैं, और पूरा का पूरा यूएस के और वो हाई वैल्यू आइटम गायब हुए हैं, और उसके बाद में अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, ये भी एक हकीकत है। हमारे साथ में सुखविंदर जी हैं, क्या कहेंगे आप? तिवारी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। दूसरे के ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं, वो ट्रूडो ने बोल दिया या मोदी साहब ने बोल दिया कि जे हमारे ऊपर ये करते हैं वो करते हैं, कभी मोदी जी भी बोलते हैं कि वो हमारे ऊपर पाकिस्तान कर रहा है। नहीं, मोदी जी का देखिए, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं अभी, सुनिए पाकिस्तान, सुनिए चलिए पहले पूरी बात कर लीजिए फिर मैं बोलूंगा। जी बोलिए, हमें बात पूरी करने दी। जी बोलिए बोलिए बोलिए। ट्रूडो ने $1 बिलियन से ज्यादा यूक्रेन को दे दिया, अगर वो $5 बिलियन यहाँ पुलिस के ऊपर लगा देता या अपनी आर्मी के ऊपर लगा देता जी, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती जी। ये हकीकत है, ये बोलते हैं कि वो ट्रूडो भिखारी है, भिखारी नहीं है, उसके पास सब कुछ है जी, मगर वो दूसरों को भिखारी बना रहे हैं सर जी। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा सिर्फ एक कहना है आपकी बात के ऊपर, छोटी सी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन भारत और कनाडा के बीच में भले बहुत ज्यादा ग्रेट रिलेशन ना हो रहे हों, लेकिन इस तरह की बात ये पहली बार आई है। हाँ एक बात जरूर हुई है, आपको भी पता है, पीछे से प्लीज आवाज म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी की आवाज डिस्टर्ब होती है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत और कनाडा के बीच में ऐसा रिलेशनशिप इतना लोग कभी नहीं गया था, जहां पर कनाडा से भारत हो या भारत से कनाडा के ऊपर ये कि वहां की एक दूसरे की एजेंसियां एक दूसरे के कंट्री में जाकर के वहां पे मर्डर करवा रही हैं। बहुत बहुत बड़ा आरोप है, और शायद ट्रूडो साहब को इस सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने कनाडा की पार्लियामेंट में ये बात कही है। और उसी के साथ में मैं नहीं जी ये बात सॉलो करने जी, एक जो बात है वो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी हमारे जो लोग जो है उनका भी और आपका भी, कि अभी जब ट्रूडो साहब आए थे भारत, तो उनके सामने जो भारत सरकार है और मोदी जी है, ऐसी खबरें आई थी कि उन्होंने ये बात रखी थी कि खालिस्तान का वो समर्थन ना करें और अपने देश में उनको मौका ना दें, जिस पर ट्रूडो जी ने कहा था कि वो तो जो अधिकार है उनके जो व्यक्तिगत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जी देना चाहते हैं,
तो अब उनके पास उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप भारत सरकार ने भी लगाया, हमने पहले वो खबर बहुत उससे नहीं उठाई, लेकिन एक तरह से आरोप था कि वो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, शायद उसी का काउंटर करने के लिए ट्रूडो साहब ने इस तरह की बात कही है, लेकिन वो अब बुरे फंसे हैं क्योंकि उनको अब जवाब देना पड़ेगा। एक ऐसा समय जब भारत के साथ अमेरिका भी खड़ा है, ब्रिटेन भी खड़ा है, रशिया भी खड़ा है, और उसके बहुत से दुश्मन जो देश थे कभी तुर्की और जितने भी मोमडन देश हैं सारे उनके साथ खड़े हैं, ऐसे में कनाडा अगर अलग थलग पड़ के भारत की खिलाफत करता है तो कहीं ना कहीं उसको चलिए चलिए बहुत धन्यवाद मुझे दूसरे जी 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 मैं बहुत धन्यवाद एक एक करके और भी कॉलर कुलविंदर बसरा साहब जी क्या कहेंगे आप। हाँ जी तिवारी जी मैं ये कहना चाहता कि जे अज भारत न्यूक्लियर पावर बने जी उस कैनेडा का बहुत वड्डा रोल है, इन्होंने अपना कांडू 60 दे विच कांडू रिएक्टर जिहड़ा उन्होंने दिता बहुत वड्डी फेवर सी। अच्छा इस तरह के रिलेशनशिप जिहड़े सी होने नहीं चाहिए, मैं महसूस करता जी कोई मोदी सरकार ना मोदी साहब नो वो अच्छे आदमी ने पर उन्होंने कोई चंग कोई उन्होंने कोई सलाहकार जिहड़ा हैगा कोई गलत है जिहड़ा उन्होंने कोई इस तरह की गलती करवा रहा। बाकी ट्रूडो साहब कला हवा च नहीं गल्लां कर रहे, उन्होंने सारा एविडेंस पहला जिहड़ा वो अपनी अपोजिशन दोनों ही अपोजिशन पार्टियां नू उन्होंने लीडर नू दिखाया, दिखाउण तों बाद कन्विंसिंग होण तों बाद दोनों ही अपोजिशन पार्टियां नू कन्विंस किया फिर किया, जिदा हुण अपने कोल कल कह रहे कि ट्रूडो ने हवा च गल छड़ती हवा च नहीं गल छड़ती। एक सेकंड इसमें अपोजिशन पार्टी की कोई लिंक आपके सुनिए सुनिए एक सेकंड अगर आपके पास में कोई लिंक है तो मुझे तुरंत भेजिए, जो लोग भी सुन रहे हैं प्लीज भेजिए मैं इसे बिल्कुल लिंक नहीं है ना उन्होंने अपोज सिर्फ नहीं अभी जो मैंने सुनाया है सुनिए अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है उनमें ये कह सकते हैं कि मैंने एविडेंस जो है दोनों अपोजिशन पार्टियों को दिखाया और वो भी इस बात से एग्री, ऐसा कोई बयान मेरे सामने नहीं है। बहुत धन्यवाद आपने अपनी बात कही, बिल्कुल अगर ऐसा है तो ये मामला सामने आना चाहिए जी। एक कुछ और कॉलर है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, बहुत गिनती का समय है, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने की आप दोनों आप सभी लोगों से इजाजत मैं चाहूंगा और उसके पश्चात में आप जो लोग भी कॉल कर रहे हैं सबके कॉल में एक एक करके स्टार्ट में आपको बोलना है लेकिन लेंगे जरूर, एक छोटा सा ब्रेक जुड़ते हैं आपके साथ में तुरंत। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांचो मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकेंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांचो मान को 416-302-5776 416-302-5776। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियाँ। इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर, दुर्बा फ्लावर्स, इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए। इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स एट 1350 AM।
दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है और एक एक करके आपसे सबसे मैं बात करूंगा, सब अपने अपने विचार देंगे। मेरे साथ में जो सबसे देरी से जुड़े हुए हैं उनका नाम मैं बता दूं, मेरे पास में 1365 से तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी बोलिए। हेलो हेलो जी प्रवेश जी, प्रवेश जी आप भी कुछ, प्रवेश जी आप जुड़े हुए हैं, आपकी अपनी तकलीफ है, मैं भी अभी भी आपको रोक रहा हूं, आखिरी मिनट में मैं आपको जरूर आप इस पे बात करूंगा। हमारे पास में 4629 से काफी देर से जुड़े हुए हैं। जी बोलिए। ओके ठीक है। 4629 जी बोलिए। नमस्कार। मैं यही बहुत कर रहा हूँ, मैं मोदी जी और ट्रूडो सरकार में नहीं, नहीं। हम यहाँ की प्रॉब्लम भूल रहे हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सनेजा सच फैमिली की है। तो आप इसके लिए, आपने जो आप इनके लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा स्टेप है ये? अभी देखो कितने बेबस हुए हुए हैं। जी ये बात भी सही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हुआ है वो मेरे साथ भी हो सकता है और ये आपके साथ भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा बने रहिएगा, मैं आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि ये तो भटकाने वाली कुछ बात लगती है। मैं साथ में एक और नंबर लेना चाहूंगा 2469 से। जी बोलिए। प्रणाम तिवारी जी, मंदी बात कर रहा हूँ। जी मंदी, बहुत शुक्रिया मेरी कॉल लेने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। बहुत क्विकली मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता था कि ट्रूडो साहब ने ये जो बात आज कही है दिल्ली से आने के बाद, अगर इनको पहले पता था तो जून में ये कांड हुआ था, तो अब तक इन्होंने ये बात कैनेडियन से छुपाई है। जी ठीक है ना। जी ठीक। और इन्होंने अब ये बात की है, जब इनकी हर तरफ से इनकी आलोचना हो रही है, इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो बिल्कुल लोएस्ट पीक पे चल रहा है। बिल्कुल सही। हम इंडिया के बहुत ज्यादा डाउन हुआ है इनका। जी बहुत ज्यादा। और जिन साहब ने आज क्रोकोडाइल आइस कहते हैं टीयर्स बहाए हैं, जगमीत सिंह साहब ने, जब कैरी मिलवेस्की साहब ने इनकी इंटरव्यू की थी 2017 में सीबीसी पे, जी इन्होंने इस बात को मानने तक से इनकार किया था कि कुलविंदर सिंह परमार का कोई इसमें हाथ है। बाद में बेशक इन्होंने मान लिया था, मगर उस वक्त इन्होंने इस क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट किया था और इस बात को मानने से इनकार किया था कि हाँ भी ये जो रेडिकल खालिस्तानी सिख्स है इनका इसके एयर इंडिया बॉम्बिंग कनिष्का का इनके पीछे कोई हाथ। बहुत क्विकली। और इनकी सपोर्ट आज भी इनके साथ है, उसी वजह से ये गवर्नमेंट चल रही है और काफी प्रेशर भी है। जी जी जी, मैं चाहूंगा जल्दी समाप्त करें। जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुलदीप जी, क्विकली आप बोलिए, उसके बाद में फिर मैं ये जो मुद्दा है प्रवेश जी का, इसके बारे में आपने कुछ बात कहना चाहूंगा, उनसे बात लूंगा। जी कुलदीप जी। हाँ जी तिवारी जी, देखो अगर ट्रूडो साहब की और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की को बात हुई है ना, तो वो बंद कमरे में बात की है इन्होंने। हाँ जी, जी। अगर ट्रूडो साहब ने पार्लियामेंट में बात की है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी ठीक है ना। जो अगर वो भी जो प्रेसिडेंट है, ये भी प्रेसिडेंट है जी, प्राइम मिनिस्टर, बात होगी तो ये बहुत बड़ी बात करती। लेकिन जो इनको प्रोग्राम, हाँ जी प्रोग्राम तो बढ़िया, लेकिन ये बात रुकेगी नहीं, थोड़ी सी आगे तक जाएगी। ये आगे जाएगी बात, आगे तक जाएगी। दोस्तों आपकी कॉलें आ रही है, मजबूरी है, मैं सबकी कॉल बराबर उतनी नहीं ले पाऊंगा। मैं एक हमारे साथ में 0590593 से बोलिए क्विकली, बहुत जल्दी। हेलो तिवारी जी। जी जब निज्जर का कातल फड़िया नहीं गया हाले तक, फिर ट्रूडो नु सपना आया पी किने करवाया, यही बात समझ में नहीं आ रही है। एक मिनट जी बोलिए। यहाँ पर 10 में जहाँ अगर 10 कत्ल होते हैं, 10 में से एक आदमी पकड़ा जाता है, 9 आदमियों को तो पता ही नहीं लगता कत्लों का, कौन किसको मार गया। जी ट्रूडो और इसकी पुलिस निकम्मी है, मूर्ख है। जी जी बहुत धन्यवाद। और एक और कॉलर 593 से आप बोल रहे हैं। जी बोलिए क्विकली, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जी, बहुत जल्दी। हाँ जी जल्दी। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि अगर हम सिविलाइज कंट्री में हैं, कि अगर कोई पार्लियामेंट में कोई बयान देता है उसको भी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है सर, इतनी बड़ी वैल्यू होती है, इसीलिए आज से मामला तो बहुत आगे बढ़ चुका है। ये जो बात कह रहे हैं ना, सबूत लाओ ये लाओ, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास सब कुछ होगा सर। प्राइम मिनिस्टर के पास में, सुनिए, कनाडा ने इसमें कोई शक नहीं, 300 जो लोग मारे गए थे उसके पीछे का, अभी तक वो जो कनिष्का में मारे गए थे, वो सारी कहानी अभी तक लोगों के पास में है, आई हुई है, कैसे कैनेडियन आरसीएमपी से लेकर के फेल हुए मिजरेबली, और ये बात उन्होंने एडमिट की है कि हमें पता था, उसके बावजूद में तो इसके ये कुछ राजनीति की ऐसी चीजें, हमारे पास में अभी कोई प्रूफ नहीं है, हम बोल नहीं सकते, हमने इस बात को सिर्फ रखा है कि वहां पर
कनाडा की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने बोला है और इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार को बोलना है, उसका जवाब उनको देना है। हमने सिर्फ आपकी बात रखी है सर, मेरे पास में समय कम है, मैं कल भी दोबारा मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। जी जी बहुत धन्यवाद, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे पास में मैं प्रवेश जी की बात करना चाहूंगा बहुत क्विकली, समय मेरे पास में एक मिनट, सुनिए सर बीच में मत बोलिए सर, बात ये बहुत गड़बड़ है, ये नहीं बोलने दे रहा हूं सर, मैं आपको नहीं बोलने दे रहा हूं, कोई जरूरी है समय है सर, दूसरे जो कैनेडियन मैंने पूरे घंटे इस प्रोग्राम को रखा है, मैं प्रवेश जी की बात करना चाहूंगा, उस पर फैमिली की बात करना चाहूंगा जो अपने घर में पिछले 2 महीने से उनका कोई हेल्प नहीं हो रही है, माफी चाहूंगा प्रवेश जी 1365 से 1365। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं बात को यहीं पर रोकना चाहूंगा, समय हमारे पास में बिल्कुल नहीं है, हम एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं सभी लोग, हमारा धर्म है कि हम अपने लोगों की मदद करें यहां पर भी और बाहर भी, और भारत और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत ऑल टाइम लो है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सारे स्पॉन्सर्स का, देसी चक्की का बहुत विशेष रूप से उनका मैं धन्यवाद करूंगा, उनका नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं दोस्तों 4166754444 और इंडिया सेवट पूजा हार से लेकर सभी लोगों का मैं यहीं से विदा लूंगा, कल मुलाकात होगी आपसे पुनः, माफी चाहूंगा जिन लोगों के कॉल नहीं ले पाए, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं चाहे तो, हिंदी टाइम्स मीडिया पर आपको मिल जाएगा या 4168392486। धन्यवाद। वाकई प्रीत पर्दा चुकन नु ता दिल ही नहीं करदा, ए पर्दे लगवाए कित्थों ने? ए पर्दे आए ने HD ड्रेपरीज हाउस वालियां तो, HD ड्रेपरीज हाउस जिथे अवेलेबल ने ब्लाइंड्स, ड्रेप्स, रोलर शेड्स, कॉर्नर्स, हेडबोर्ड, बेडिंग लाइनिंग एंड कस्टम मेड। वधेरे जानकारी दे लई कॉल करो दीप जी नु, HD ड्रेपरीज हाउस 9418 गोर रोड ब्रैम्पटन 9059158787 9059158787। स्काई लार्क लॉजिस्टिक्स अते ट्रांस एक्सपर्ट हायर करने ट्रक ड्राइवर्स अते ओनर ऑपरेटर्स नो मॉन्ट्रियल टोरंटो चलन लई अते टोरंटो मॉन्ट्रियल चलन लई गारंटीड माइल्स।